नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार मीडिया से दूर रह रही पुष्पम प्रिया चौधरी एक बार फिर से मीडिया के सामने आई है। जी हां, आपको बता दें, प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष है पुष्पम प्रिया चौधरी। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में भी ताल ठोकी थी, लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। इस बीच पुष्पम प्रिया चौधरी मीडिया से दूर चल रही थी, लेकिन एक बार फिर से वो मीडिया के सामने आई है और उन्होंने सरकार के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। पुष्पम प्रिया चौधरी का कहना है कि बिहार में अपराध चरम पर है। बिहार में लड़कियों के साथ बलात्कार, अपहरण और मौत जैसी जो हत्या जैसी जो घटना है वो आम बात हो गई है। सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कह रही है पुष्पम प्रिया चौधरी, जरा सुनिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। का हम भारतीयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक दिन है। आज असली नेताजी का जन्मदिन है और आज के दिन प्लूरल्स ने अपने स्टूडेंट विंग को भी इनॉग्रेट किया है, प्लूरल स्टूडेंट फेडरेशन PSF। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेताजी से सीखने की ज़रूरत है, जो हमारे देश से गायब हो गई हैं। हमारा देश महान जिन लोगों की वजह से हुआ था, वो महानता शायद अब धीरे धीरे थोड़ा सा आर्ग्यूबल हो गई है और उन लोगों को जिंदा करने की ज़रूरत है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी आप देख रहे हैं, क्या लगता है बिहार में किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर? देखिए, पिछले 30 वर्षों से बिहार की हालत ख़राब है, बिल्कुल। आप अगर स्ट्रेट फॉरवर्डली चाहते हैं कि मैं आपको जवाब दूं, तो ख़राब है। लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, पहले भी नहीं करते थे, अभी भी नहीं करते हैं। ये मैंने बचपन से देखा है, जब से पैदा हुई हूँ वो असुरक्षा लोगों में हमेशा से देखी, वैसे ही बरकरार है। और सुरक्षित सरकारें जो होती हैं वो होती हैं जो एक भी व्यक्ति पे अगर आँच आए तो ये नेशनल खबर बन जानी चाहिए थी। हमारे यहाँ तो हत्या हो जाना बिल्कुल आम बात है, बिल्कुल बच्चियों का बलात्कार हो जाना बिल्कुल आम बात है, और ये बातें बहुत ही गंभीर हैं। आज दुख की बात ये है कि अपने आप को नेता कहने वाला हर नकली व्यक्ति, जो नैतिक रूप से नकली है, वो भी माइक के सामने खड़ा होता है और बड़ी बड़ी बातें करके निकल जाता है। जिनकी पार्टियों की वजह से अपराधे हैं, जिनकी पार्टी में ऐसे भी लोग हैं जिन पे बलात्कार के भी संगीन इल्ज़ाम हैं, वो भी बच लेते हैं। तो जब ऐसे लोग सरकार बनाने में, नीतियों का निर्माण करने के लिए बैठेंगे, आप जो हमारे पार्टीज ने जो टिकट्स दिए हैं लोगों को, उनका आप उठा के देख लीजिए बैकग्राउंड, कई लोगों पे किसी न किसी तरीके का बहुत संगीन जुर्म का आरोप है। तो ये जो ऐसी नीतियाँ बनाने वाले लोग सदन में बैठेंगे तो क्या नीतियाँ बनाएंगे और कौन सुरक्षित रहेगा? और ये हर दिन होता है, हर दिन होगा। पटना में जब चीज़ें होती हैं तो थोड़ा नेशनल इशू बन जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये कोई पहले दिन होने वाली बात नहीं है। पटना के बाहर भी बिहार है जिसमें ये सारी चीज़ें आम हैं। हत्याएं गरीब लोगों में भी होती हैं, उनमें भी आम है, हत्या हत्या है। इसमें मैं ये चाहूँगी कि हर दिन जो अपराध हो रहे हैं उसको आप लोग आगे लाइए। हर व्यक्ति की ज़िंदगी महत्वपूर्ण है, चाहे वो पटना के बाहर भी हो, और ये संगीन अपराध पे हमें ही कुछ करना पड़ेगा। किसान बिल को लेकर क्या सोच रहे हैं? मानव श्रृंखला 30 जनवरी को महागठबंधन के तमाम बड़े नेता निकाल रहे हैं, ये सब नाटक है। ये मानव श्रृंखला निकालना बिल्कुल नाटक है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि सब्सटैंटिवली ऐसा क्या किया जाए कि ये मुद्दे 74 साल के बाद भी, जिन्होंने अपनी जान दे दी थी इसी देश के लिए, उन्हीं के देश में ये मुद्दे अभी तक ज्वलंत हैं। पहला मुद्दा एज एन ऑपोजिशन ये पूछने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ठंड में किसान बैठे हैं, हर जगह धरना कर रहे हैं, उसमें उस बड़ी विपत्ति में आपको अवसर नज़र आ रहा है पार्टी को चमकाने का? ये प्रश्न हमें पूछने पड़ेंगे, आपको पूछने पड़ेंगे। इन मुद्दों को हमेशा के लिए ख़त्म करना पड़ेगा। और हमारे देश की तो जान ही किसान है, ये तो सबको पता है, बचपन से ही पढ़ाया जाता है बच्चों को भी। कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान देश है। और बिहार की मैं आपको बता दूँ, बिहार की किसानों की समस्याएँ तो और भी अतिरेक हैं, बहुत सी समस्याएँ हैं।
मैं पिछले दिनों एक बहुत ही वरिष्ठ किसान है उनसे मिली थी और उन्होंने कहा कि इन सरकारों ने तो किसानों की जान निकाल दी, उन लोगों से जाके बात करने की ज़रूरत है, उन लोगों से जाएं मिलें जो नीति बनाते हैं, वो लोग भी जो दुर्भाग्यवश सदन में उनको अपोज करने के लिए बैठे हैं, वो लोग भी, ये लोग जाएं पटना के बाहर जाके और इन लोगों से मिलें। और मैं केंद्र सरकार को ये कहना चाहूँगी कि इन मुद्दों को अगर व्यक्ति को, चाहे वो किसान हो, शिक्षक हो या कोई भी हो, जिनके लिए आप नीतियां बनाते हैं, उनमें उन्हें सम्मिलित करिए। अगर आप हमारे लिए नीतियां बनाते हैं और हम ही उसमें नहीं हैं, तो फिर इस प्रजातंत्र का कोई मतलब नहीं। पंचायत चुनाव में आपका जोर आजमाइश होगी। तो सुना आपने पुष्पम प्रिया चौधरी, दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर माल्यार्पण करने पहुंची थी, जिस दौरान उन्होंने ये सब बातें कही। उन्होंने कहा है कि नेताजी जैसा आज तक कोई नेता पैदा ही नहीं लिया। जी हाँ, और साथ ही पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा है कि नेताजी से हम सभी को सीखने की जरूरत है। साथ ही साथ बिहार सरकार पर भी पुष्पम प्रिया चौधरी ने सवाल खड़े किए हैं बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर के। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।